चलें हसन, गुड लक फॉर योर टाइम विद जिमी एंडरसन। और उम्मीद ये करते हैं कि आप जब पाकिस्तान वापस आएंगे, आप बहुत कुछ उनसे डाउनलोड करके जो है वो आ रहे होंगे और पाकिस्तान के लिए इंप्लीमेंट करेंगे। लेकिन हसन, अगर हम आपकी परफॉर्मेंस, स्पेशली रीसेंट टाइम्स में परफॉर्मेंस के हवाले से बात करें, बहुत इरेटिक परफॉर्मेंस नज़र आई है। वो जो पाकिस्तान क्रिकेट के बारे में कहते हैं ना, वन मोमेंट डाउन और नेक्स्ट मोमेंट अप, यानी हसन अली जब परफॉर्म करने में आते हैं तो लिटरली अनप्लेबल बन जाते हैं, लेकिन जब बुरा टाइम आता है तो हसन विकटें भी नहीं मिलती, रन्स भी बहुत हो जाते हैं। तो अपनी इस सिचुएशन की क्या वजह आपने एक्सप्लोर की है? देखें, मेरे हाथ में जो है वो मेरा 110% है और मैं हमेशा जो है ना अपने एफर्ट को जो है प्रायोरिटी देता हूँ। बिल्कुल, देखें, परफॉर्मेंस जो है वो होनी चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि परफॉर्मेंस नहीं होनी चाहिए, मेरी यही कोशिश है कि मैं हर मैच में परफॉर्म करूँ। देखिए, अगर रियलिटी पसंद अगर कोई इंसान है तो वो ये जरूर मानेगा कि आप हर मैच में परफॉर्म नहीं कर सकते। और बिल्कुल रही जिस तरह आपने बात किया कि जब अगर मुझसे परफॉर्म नहीं होता तो बिल्कुल नहीं होता, लेकिन जब परफॉर्म करता हूँ तो फिर एक्सट्रीम में चला जाता हूँ। तो आई थिंक मुझे तो ये समझ में नहीं आती कि मैं क्या गलत करता हूँ या क्या अच्छा करता हूँ। मैं कोशिश यही मैं करता हूँ कि मैं अपना 110%, जो मैं जब अपनी बाउंड्री की रोप जो है वो क्रॉस करूँ तो मैं जो है वो मुतमिन हूँ कि मैं सेटिस्फाइड हूँ, जी हाँ मैंने अपना 110% दिया है। हाँ, मैंने यहाँ पे 110% नहीं दिया, अगर मैं ये करता तो ये होता, तो ये नेक्स्ट मैच में मैंने ये बेहतर करना है। तो मेरी कोशिश यही होती है कि मैं अपना जो है वो सारा जो है एफर्ट जो है वो लगा के, तो फिर जो है रात को जब सोऊं तो सेटिस्फाइड होके सोऊं कि हाँ आज मैंने गलत किया है तो गलत किया है, आज मैंने अच्छा किया तो अच्छा किया।